यह हम देख सकते हो OpenAV सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। हेलो दोस्तों, टेक्निकल अमर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम OpenAV को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। OpenAV को इंस्टॉल करने से आप GTFI के फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, उन्हें आप एडिट भी कर सकते हो। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ आ जाओगे। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है, OpenAV सेटअप ऑफलाइन। इस फाइल को डाउनलोड कीजिए, इस पर क्लिक करने से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फाइल आ जाएगी, OpenAV सेटअप। इस फाइल को डबल क्लिक कीजिए, उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद इसके टर्म्स एंड कंडीशंस आप रीड कर सकते हो। उसके बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ दिस अग्रीमेंट, इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो इस लोकेशन पर ये OpenAV इंस्टॉल्ड होगा। इंस्टॉल द OpenAV टू दिस कंप्यूटर, इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। यहाँ हम देख सकते हो OpenAV सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद इसे क्लोज कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो OpenAV यहाँ आ गया है। उसके बाद इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो इन सब गेम्स को ये OpenAV सपोर्ट करेगा। उसके बाद GTA 5 विंडोज़ में जाइए, उसके बाद आपको इसे दिखाई देगा आपका गेम कहाँ इंस्टॉल्ड है, वो लोकेशन इसे देना होगा। अगर आपका गेम इंस्टॉल कहाँ है ये आपको नहीं पता है तो GTA 5 लोगो पे जाके राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद ओपन फाइल लोकेशन में जाइए। यह आपको दिख जाएगा ये गेम कहाँ इंस्टॉल्ड है, ये लोकेशन इसे देना है। ब्राउज कीजिए, यहाँ देख सकते हो मैंने इसे लोकेशन दे दिया है। सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कीजिए, यहाँ देख सकते हो सक्सेसफुली गेम का लोकेशन इसे मिल गया है। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आपके ओरिजिनल गेम फाइल्स को एक बैकअप कॉपी रख लीजिए। एक कॉपी रख लेने से आपका कौन सा भी फाइल मिस होता है तो वहाँ से आप बैकअप कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। यहाँ हम देख सकते हो OpenAV ओपन हो गया है। उसके बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए, यस। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हो फर्स्ट टाइम OpenAV ओपन करने पर आपको ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद ASI मैनेजर पर क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो टूल्स में जाइए। उसके बाद ASI मैनेजर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद 3 फाइल्स को आपको इंस्टॉल करना होगा। आपको सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो गया है। आपको सिर्फ इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हो ये सब इंस्टॉल हो गए हैं। उसके बाद इसे क्लोज कीजिए। तो दोस्तों, इसी तरह से आप OpenAV को इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.